हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके व्यूअर्स, निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। सो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज़ करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको करना यही है कि जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव बने रहें और उसके बारे में ही सोचकर इस रीडिंग को देखें। ओके, यहाँ अब तक जो हमने कार्ड्स निकाले हैं वो हमारे पास आए हैं 9 ऑफ वैंड्स, डेथ, द वर्ल्ड, द मून, द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप्स। यह मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जिस पर्सन में ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो इस पर्सन को खुद को भी पसंद नहीं थी और जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो आपको भी इनकी ना ये क्वालिटीज़ पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये काफ़ी दूरियां आ गई हैं। तो ये पर्सन अपनी उन बैड हैबिट्स को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन को आपका साथ चाहिए या आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस पर्सन को अपनी इन बैड हैबिट्स को छोड़ना होगा और एक नए रूप में ये पर्सन आपके सामने भी आना चाहता है। इस वक्त भी ये पर्सन सोच रहा है आपके साथ एक नई शुरुआत, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्हीं बैड हैबिट्स के साथ ये आपकी लाइफ में आएंगे तो शायद ये रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। फिर से आप दोनों के बीच दूरियाँ आनी स्टार्ट होंगी और ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म होगा। पर ये पर्सन चाहता नहीं है आपके साथ पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना। तो ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगा है इस वक्त भी, क्योंकि ना हमारे पास द फूल भी है, द मून भी है, द वर्ल्ड भी है। तो इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दूर चले गए हैं और ये पर्सन अकेला रह गया है। इस वक्त भी ये पर्सन खुद को बहुत ही तन्हा और अकेला फील कर रहा है। इस पर्सन ने ना काफ़ी सारे लोगों को देखा है, काफ़ी सारे ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं, ऐसे रिलेशनशिप इसने खुद भी बनाए हैं, एक्सपीरियंस के लिए बनाए हैं, टाइम पास के लिए बनाए हैं, बट इसको वहाँ ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो आपसे मिला है। तो इस पर्सन को आपके साथ काफ़ी अच्छा लगा है इस रिलेशनशिप में, ये इसलिए भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं क्योंकि जब कभी भी ये अपनी पास्ट की जर्नी को सोचते हैं, रियलाइज़ करते हैं अपनी गलतियों को, और जब ये आप दोनों के रिलेशनशिप को देखते हैं तो इनको ऐसा ही लगता है कि ये सबसे बेस्ट रिलेशनशिप था इस पर्सन की लाइफ का। तो इस पर्सन ने ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप थे जो आपसे छुपा कर भी रखे। ये पर्सन हमेशा ही कुछ चीज़ों को बताता रहा, कुछ चीज़ों को छुपा कर रखता रहा। इसके पास में जो कुछ भी हुआ इसने खुलकर आपको कभी बताया नहीं है। बट ये पर्सन अब ज़्यादा सोचना नहीं चाहता है। केयरफ्री नेचर इस पर्सन का पास में भी था, अभी भी है, बट ये पर्सन आपके मामले में हमेशा ही काफ़ी पॉजिटिव और आश्वस्त रहा है। इस पर्सन को पूरा यकीन था कि ये कुछ भी करे अपनी लाइफ में, कहाँ भी रहे, किसी के साथ भी रहे, जब कभी भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेगा तो आप इसे अपना लेंगे, उतनी ही प्यार, मोहब्बत और केयर करेंगे इस पर्सन की जितनी आप अभी करते हैं। तो इस पर्सन को इसका जो ये नेचर था ना, जो इसके थॉट थे, ये इस तरह के आपके बारे में जो इसके ये ख्यालात थे, वही इसको आपसे दूर ले गए हैं। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझे ऐसा लगता है आपने इस पर्सन की केयर कर ली थी, जिसकी वजह से ये पर्सन ना थोड़ा और ज़्यादा आपकी तरफ से बेफिक्र हो गया था। केयर फ्री नेचर तो इसका था ही पहले से, और इस वजह से भी आप दोनों के बीच ये डिस्टेंस आ गया है। बट अब इस पर्सन ने पूरी दुनिया घूमकर देख लिया है, आपसे ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर इसे नहीं मिल सकता, ये बात ये मान चुका है। इसलिए भी ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। अब ये अपनी उन बैड हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके सामने एक नए रूप में आना चाहते हैं और ये आपके लिए ना बदल रहे हैं खुद को। ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकता है। इस वक्त जो इस पर्सन के थॉट्स हैं, जो इसके ख्यालात हैं, जो ये इस वक्त सोच रहा है ना, वो इसी तरह की फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।